तो दोस्तों फाइनली ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके साथ हमें इस तरह की दो पिंस मिलती है और जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। दो पिन मिलती है दोनों चैनल को यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें अलग से पिंस नहीं खरीदने पड़ती, यानी ये RCA केबल इसको बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये इस प्लेयर का पावर कॉर्ड है जो एक अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे। और मेन चीज़ है इनमें से ये यूज़र मैनुअल। अब मैं इसे मेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी है, फिर भी हम हर एक बटन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। जितने भी बटन इस प्लेयर पर लगे हुए हैं, हर बटन का यूज़ क्या है ये इस पर मेंशन किया गया है। यानी हमें अगर जानकारी पूरी तरह से नहीं भी है तो इसे पढ़कर हम उसे जान सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस यूज़र मैनुअल को इम्पॉर्टेंट कहा है, और ये सच में इम्पोर्टेंस इसे देनी चाहिए हमें। काफ़ी अच्छी बात है कंपनी ने ये डिटेल्स में प्रोवाइड किया है। अब देखते हैं मेन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख पाएंगे जॉग व्हील, USB, इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी एक USB। और ये जो हमारे गाने का स्पीड होता है जिसे हम पिच भी कहते हैं, तो ये मेंटेन करने के लिए है। और यहाँ पर सारे बटन्स हैं, रिपीट के, इन के, आउट के, प्ले पॉज का बटन है यहाँ पर, क्यू के लिए यहाँ पर आप क्यू सेट कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा बटन है, ये इस तरह से पुश करने पर भी काम करता है और राउंड घुमाने पर हम गाने को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और फोल्डर इन फोल्डर को भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यानी हमारे पेन ड्राइव में अलग अलग फोल्डर बना के स्पेशली उन गानों में से भी सिलेक्ट करके हम ये गाना लगा सकते हैं। अब जो ऊपर ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में आप जिस भी तरह के फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो भी एक्टिविटी आपकी प्लेयर के साथ चल रही है वो वहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई देगा। यानी क्या चल रहा है, BPM हो, कोई भी चीज़ हो, क्यू सेट कर रहे हो, प्ले पॉज, हर तरह की डिटेल्स आपको इस डिस्प्ले में दिखाई देगी। अब सेम इस तरफ जैसा है उसी तरह बिल्कुल इस तरफ है, देख लीजिए आप। फर्क क्या है, इस तरफ कंपनी का ब्रांडिंग है पिंटो और इस तरफ मॉडल नंबर है, बाकी सब कुछ सेम है। ये कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी पॉपुलर है, खास करके महाराष्ट्र में, और इसका प्रोडक्शन काफ़ी सोच समझ कर हुआ है। ये बात मुझे तब समझ में आई कि आप देखिए इसके लिए जो नीचे बेस दिया गया है इसको रखने के लिए, अगर हम किसी चीज़ पर इसे रखते भी है तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा दी गई है। और क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लगती है इसकी आउटपुट पिंस। अब ये पिंस खराब ना हो और उसे लगाने के लिए अच्छी तरह से डिस्टेंस मिले, इसके लिए इस तरह से यहाँ पर यह हाइट दी हुई है, क्योंकि ये मेंटेन हो सके उसमें। अब इसे जब मैं आपको उल्टा करके दिखा दूँ तो यहाँ पर भी ब्रांड का नेम और मॉडल नंबर है पिंटो DJ200USB। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर लाइन आउट के कनेक्शन है एक चैनल के, यहाँ पर दूसरे चैनल के है, और ये बेस प्लेयर को रखने के लिए, और ये कनेक्शंस मेन कनेक्शन है इसी का, यानी पावर कॉर्ड। यहाँ ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया गया है जो ऊपर से आप भले ही ना दिखाई दे लेकिन हाथ आपका वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि इसका जो ऊंचाई, फिर से एक बार मैं बता दूँ, ये इसीलिए रखा है कि आपका हाथ पहुँच जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे कि अब इस तरह से हमने रखा हुआ है इसे, तो यहाँ पर अगर हम हाथ डालते हैं तो यहाँ से ये बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कि पिंटो के इस प्लेयर को क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी इस तरह के प्लेयर अवेलेबल है। तो जो काफ़ी प्लेयर मार्केट में इस तरह के अवेलेबल है वो 4 GB का पेन ड्राइव सपोर्ट करते हैं। अगर आप 4 GB के साथ उनको यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको ज़्यादा बड़ा पेन ड्राइव, उससे कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये प्लेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये 8 GB का पेन ड्राइव सपोर्ट करता है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। और उसमें आप 1000 गाने तक रखते हो तो उतना फाइल रीड करने का कैपेसिटी इसका है। दूसरी बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं,
जैसे कि मैं खुद अपने सेटअप में ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करता हूँ, लेकिन लैपटॉप एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं है। स्पेशली इस तरह बनाया गया नहीं है कि इसे एक साउंड प्रोफेशन में यूज़ किया जाए। अब उसमें अलग अलग तरह के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डाल के हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के जो प्रोडक्ट है ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, और उसी चीज़ को यानी सिर्फ गाने प्ले करने के लिए ही इस तरह का प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इससे जो हमको गेन वगैरह मिलता है, क्वालिटी मिलती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और अच्छी क्वालिटी के लिए हम किसी भी चीज़ के जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट होता है उसे यूज़ करते हैं, और ये एक बेहतरीन प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। और एक बात है कि जो डिस्क का ज़माना है यानी सीडी का हो, वो काफ़ी पीछे चला गया है। अब उतनी अलग अलग सीडीज़ को मेंटेन करना एक डीजे के लिए, एक साउंड ऑनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, और हर 4 दिन में कोई नया गाना आता रहता है, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। लेकिन ये काफ़ी ईजी है, आप पेन ड्राइव, 2 पेन ड्राइव जेब में डालो। वैसे तो 1 पेन ड्राइव से भी काम चला सकते हो, लेकिन 2 रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप पेन ड्राइव जब भी मोबाइल में नया गाना डाउनलोड कर सकते हो, OTG लगाकर उस पर पेन ड्राइव में ले सकते हो और बहुत आसानी से प्ले कर सकते हो। फिलहाल इस प्लेयर को हमने एक होम थिएटर पर चेक किया है, लेकिन 30 तारीख को हम एक DJ साउंड में इसे यूज़ करने वाले हैं। अगर वहाँ पर वीडियो बना पाया तो वो मैं वीडियोज़ आपको डाल दूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसका इनडोर टेस्ट कर रहे थे, उसके कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। प्लेयर का रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक अच्छे मिक्सर के साथ हम अगर इस प्लेयर को यूज़ करते हैं तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाने प्ले करने के लिए, कोई भी और चीज़, सीडी हो या फिर लैपटॉप हो, इस तरह की किसी भी चीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है और पैकिंग भी काफ़ी अच्छा है, आपने देखा है, तो ओवरऑल ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। वीडियो आप देख लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सीट्स रोहित नेवी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। डीजे किरण।